गुड मॉर्निंग दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए अप्रेंटिस वैकेंसी लेकर फिर आपके सामने आए हैं, जो कि ये वैकेंसी जो है ये THDC, जी हाँ दोस्तों, THDC इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न शेड्यूल यानी मिनी रत्न कंपनी की तरफ से निकला है। ये अप्रेंटिसेंट है जिसका ओपनिंग डेट यानी फॉर्म भराने का ओपनिंग डेट 21 तारीख से शुरू हो चुका है और ये क्लोजिंग डेट आपका 10 तारीख तक है। 10 तारीख तक इसका ऑफलाइन यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके एक फॉर्मेट है, वो निकाल कर आपको ऑफलाइन भेजना है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी बारी बारी से हासिल करते हैं। देखिए, ऑलरेडी ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, ये 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। इसमें कोपा जो बोलते हैं कोपा, उसके लिए 30 सीट है। अस्टोनोग्राफर के लिए 30 है। ड्राफ्ट्समैन जो कि सिविल डिप्लोमा वालों के लिए, उसके लिए 15 सीट है। फीटर वालों के लिए 5 सीट है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 15 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 5 सीट है। टोटल जाकर बात किया जाए तो 100 सीट है इसमें, जिसमें 10th पास और ITI पास कैंडिडेट के लिए है, जो कि इसमें कंडीशन है जो कि 18, 19, 20, 21, 22 इतना डेट में जो ITI पास की है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जहां तक छूट की बात किया जाए तो SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का छूट दिया गया है। ये जो अप्रेंटिस होगा ये देख लीजिए 9061 के अंतर्गत हो जाएगा। आगे की ओर जो शेड्यूल दिया गया है, सबसे पहले आपको इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा देख लीजिए। आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है पहला नंबर में मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद दूसरा ITI मार्कशीट, तीसरा डेट ऑफ बर्थ, चौथा कास्ट सर्टिफिकेट, पांचवा अगर कोई PH है यानी विजुअल अगर हैंडीकेप कोई है उनके लिए याद है जो सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ एडेप्टेड फैमिली यानी फैमिली में अगर कोई है जॉब में वो लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। अगला एक आधार कार्ड आपको लगेगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो ITI पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर करिएगा उसका एक स्लिप लगाना है देख लीजिए, जो कि इस वेबसाइट पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप नहीं किए हैं तो। उसके बाद आगे क्या है, आगे आपको जो इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है और इस वेबसाइट पर जा करके आपको फॉर्म भर देना है और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल करके देखिए एप्लीकेशन फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस 2022 एक इनवेलप में भर देना है सब डॉक्यूमेंट को और ये जो ऋषिकेश का एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आपको भेज देना है देख लीजिए। और ये फॉर्मेट में ये प्रिंट आउट अपने को निकालना है देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट डेट दिया हुआ है, ये प्रिंट आउट निकाल के इसके पूरे को फॉर्म को भर देना है और पूरे फॉर्म को भर करके आपको ऑफलाइन फिर भेज देना है। और ये भेजना है कब तक, आपको पहुँचना चाहिए 10 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, ये 10 तारीख तक तो क्लोजिंग डेट है, उसके बाद 2-3 दिन आपको मिलेगा वहाँ, तब तक आपको वहाँ भेज देना है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, और भी लेटेस्ट अपडेट पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें। जय हिंद।